मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एप्पल फॉर सक्सेस। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम मेलिंग में से इनवेलप और लेबल को देखेंगे। इनवेलप वो बाहर का कवर पेज होता है जिसके अंदर हम अपने लेटर को पैक करके किसी को भेजते हैं और उस पे जिसे हम लेटर भेजते हैं उसका एड्रेस लिखा होता है, हमारा अपना एड्रेस लिखा होता है कि अगर उसे किसी वजह से रिसीव ना हो सके तो ये हमें बैक हो जाए। और अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमने अपने लेटर पे तमाम एड्रेस और चीजें प्रिंट कर दी हैं उस तरह से हमारा एनवेलप पे भी तमाम एड्रेस प्रिंट शुदा हो तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं इस एनवेलप ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारे सामने ये स्क्रीन अपियर होती है। यहाँ डिलीवरी एड्रेस है, डिलीवरी एड्रेस की जगह मैं वो एड्रेस लिखूंगी जहां मुझे लेटर भेजना है और मैं यहाँ कुछ भी एड्रेस लिख देती हूँ। न्यू सिटी लिख देती हूँ, न्यू सिटी स्ट्रीट 1 मैंने लिख दिया एड्रेस, ये एक डमी एड्रेस है। और नीचे रिटर्न एड्रेस में मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, ये सपोज करते हुए कि ये मेरा इदारा है और अगर किसी वजह से ये लेटर डिलीवर नहीं होता तो ये बैक हो जाए। और ये प्रीव्यू नजर आ रहा है जहां से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डिलीवरी एड्रेस होगा, यहाँ पे हमारा रिटर्न एड्रेस होगा। और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये स्क्रीन अपियर होती है जिसमें हमारे पास इनवेलप ऑप्शन और प्रिंटिंग ऑप्शन है। इनवेलप ऑप्शन में हमारे पास इनवेलप साइज है, यहाँ डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, इसमें से आपने जो लेटर के लिए अपने साइज को डिफाइन किया है, अगर आपने लेटर सीधा ही उसमें डालना है या फोल्ड करके डालना है उस तरह से आपको जितना भी इनवेलप साइज चाहिए उसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इनवेलप का ये साइज चाहिए और आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इनवेलप साइज सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फॉन्ट साइज है कि आप फॉन्ट साइज यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से ऑटो ही रहने दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट ऑप्शन है। अगर आप फेस अप पे क्लिक करते हैं तो उसका वो हिस्सा जिसमें से आपने लेटर उसके अंदर रखना है वो ऊपर की तरफ होगा। अगर आप फेस डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपने जिस तरफ से अपना लेटर उस एनवेलप के अंदर रखना है वो डाउन की तरफ होगा, क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ होगा। आप इसे इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आपने प्रिंट लेना है तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर से इसका प्रिंट निकल आएगा। आप फाइल मेन्यू पे प्रिंटर के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसे मजीद इंस्ट्रक्शन देके प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे डॉक्यूमेंट में देखना है तो आप इस पे क्लिक करें और यस करें तो ये आपका इनवेलप आपके डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है ताकि आप देख सके कि ये हमें किस तरह से नजर आएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेबल्स। मैं लेबल पे क्लिक करूं तो वो हमारे पास एड्रेस लिखा हुआ है न्यू सिटी टाउन जो मैंने लिखा था। यहाँ पर एड्रेस अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ है फिल पेज ऑन द सेम लेबल, इसी लेबल से पूरा पेज फिल हो जाए। और अगर आपने सिंगल लेबल लगाना है तो आप सिंगल लेबल पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ आपको डिफरेंट प्रीसेट दिए हुए हैं कि आप इसे कितनी दफा प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगर मैं 30 पर पेजेस पे क्लिक करूं और ओके करूं और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लूं तो आप देखें ये 30 टाइम मेरे पेज में मौजूद है और ये 30 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ये एक्चुअल में एक स्टिकर जैसा है कि इससे हम एक स्टिकर तैयार कर लेते हैं जिसपे हमारे इदारे का एड्रेस लिखा होता है या फिर वो एड्रेस लिखे होते हैं जहां हमने ये लेटर डिलीवर करने हैं और हम ये इतना हिस्सा काट कर उसे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमें एड्रेस बार बार लिखना नहीं पड़ता, हम एक स्टिकर का पोर्शन काटते हैं और उस पर पेस्ट कर देते हैं और इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। और यही ऑप्शन मेलिंग में भी मौजूद है, यहाँ भी इनवेलप का ऑप्शन मौजूद है, आप इसे यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। लेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, आप इसे यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।